पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा, ये सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वजीर आजम होगा, नया इंतखाब। आज़ादी मार्च काफ़ी हद तक कामयाब रहा और जो वजीर आजम का सिलेक्टर का सिलेक्टर्स का स्टैंडिंग कल था वो आज नहीं है। जब तक हमें नहीं पता होगा कि चौधरी परवेज इलाही और क्यूली के साथ क्या बातचीत चल रही है, प्लान बी प्लान सी तसीलन प्लान्स क्या है, तो फिर इट वुड बी टू अर्ली फॉर मी टू शेयर विद यू वेदर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैन इंडोर्स एनी ऑफ दीज एक्शंस। कल जब पख्तूनख्वा के सारे कैदी लाहौर में ट्राई होंगे, जब बलूचिस्तान के सारे कैदी पिंडी में ट्रायल हो गए, फिर जो नुकसान उस इस वफाक पे पहुंचेगा मैं कैसे रोकूंगा। इसलिए मैं इतना जोर से शुरू दिन से एहतजाज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज तक मेरा पिटिशन पेंडिंग है इस आला अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, सदर जरदारी के लॉयर्स की तरफ से पिटिशन पेंडिंग है कि इस नाइंसाफी को बंद करो। हुकूमती डॉक्टर्स ने ये बीमारियाँ को आइडेंटिफाई भी की। जब हुकूमती डॉक्टर्स ने फैसला किया कि आप शिफ्ट करें और आपने 6 महीने लगाए वो शिफ्ट करने में, तो मेरा क्या एतमाद होगा उस इंतज़ामिया पे, उन डॉक्टर्स पे, इस सिस्टम पे, जो मेरे और मेरे ख़ानदान को बेसिक हक है प्राइवेट डॉक्टर्स का एक्सेस का, वो भी नहीं दिया जा रहा है।